जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के बारे में बनाऊंगा, तो आज हम लोग फिजिक्स के बारे में बातें करेंगे, है ना। तो मैं लगभग 15 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और 2-3 साल खुद मैंने IIT JEE का प्रिपरेशन किया था, है ना। तो मुझे क्या लगा कि जो फिजिक्स है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये हमारे आसपास होने वाली जो घटनाएं हैं उनको बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करता है, है ना। कहते हैं फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, मतलब ये है कि जो ये प्रकृति है, जो नेचर है, वो हमेशा किसी न किसी नियम के अनुसार से चलती रहती है, हमेशा रूल को अपने फॉलो करती है, ठीक। और वो जो रूल है, जो नियम है, उसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, अगर उसको आप सही तरीके से समझना चाहें तो आपको फिजिक्स का ही जो है वो यूज करना पड़ेगा, है ना। तो फिजिक्स जो है ऐसे बहुत सारी चमत्कारी घटनाओं को एक्सप्लेन करता है जो हमारे आसपास हमेशा होती रहती हैं, है ना। और जब वो एक्सप्लेनेशन हमें पता चल जाता है तो हमें बहुत मज़ा आता है ना। बहुत सारी ऐसी चमत्कारी घटनाएं, जैसे हमारे घरों में बिजली आती है ना। हम लोग मोबाइल से बातें करते हैं, बहुत दूर बैठा आदमी उसे बातें कर लेते हैं, हमारे घरों में टेलीविज़न चलता है। आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा, ये सब तब चमत्कार लगता होगा, लेकिन आज चमत्कार नहीं है, है ना। ये आज जो लोग हैं सब जानते हैं कि ये फैक्ट है। साइंटिस्ट लोग जो हैं वो फैक्ट पे काम करते हैं, है ना, वो किसी अदृश्य चीज़ों पे काम नहीं करते। हर चीज़ का रीज़न होता है, हर चीज़ का लॉजिक होता है, इस चीज़ में वो जो है वो बिलीव करते हैं, है ना। अब आप सोच सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो स्पेस में लटकी हुई है, हवा में टंगी हुई है, घूम रही है ना। अगर वैसे अगर सोचा जाए तो ये इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन प्रकृति का यही रूल है और इसके हिसाब से पृथ्वी जो है वो घूमते हुए हवा में ही रहती है, कहीं गिरती नहीं है, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं वो किसी नियम के हिसाब से हो रही हैं, प्रकृति के नियम के हिसाब से हो रही है, है ना। प्रकृति का जो रूल है वो कभी फेल नहीं होता, साइंटिस्ट ये मान कर चलते हैं, है ना। प्रकृति का रूल जो है वो कभी फेल नहीं होता, ठीक। सरकार का रूल जो है वो फेल हो सकता है ना। बहुत सारे सरकार नियम बनाती है, लेकिन आप जो है किसी पुलिस वाले को या किसी कर्मचारी को घूस दे देते हैं, वो नियम टूट जाता है, लेकिन प्रकृति का नियम कभी नहीं टूटता। और यही वजह है कि जो साइंटिस्ट लोग हैं वो भूत पर या भगवान पर जो है भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भूत और भगवान जो है हम लोग मानते हैं कि वो अदृश्य जो शक्तियाँ हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, है ना। मतलब जहाँ तक हमारा दिमाग काम करता है, हम जिस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हैं वो मान लेते हैं कि चलो ये तो साइंस है या नॉर्मल चीज़ है ना। लेकिन जहाँ पर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, वहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है जो कि काम कर रही है। जैसे हो सकता है भगवान हो सकता है भूत हो, है ना। जैसे कोई बॉल है, बॉल को जब भी हम लोग छोड़ते हैं तो बॉल हमेशा नीचे जाती है ना। बॉल हमेशा नीचे जाने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए नॉर्मल है, हम उसमें कुछ भी अजीब सा नहीं देखते हैं, लेकिन न्यूटन को अजीब सा दिखा था, है ना। उसको अजीब सा दिखा था कि ये नीचे ही क्यों जाता है, ठीक। तो हम लोग तो रोज़ उस चीज़ को देख रहे हैं कि कोई भी सामान छोड़ते हैं नीचे चले जाता है, इसलिए वो नॉर्मल है, उसमें कोई अदृश्य शक्ति नहीं है। अगर किसी दिन वो बॉल ऊपर जाने लगे, हम छोड़ें बॉल ऊपर जाने लगे, तो कहेंगे कि वहाँ पर जो प्रकृति का नियम है वो फेल हो गया है ना। क्योंकि प्रकृति कहता है कि अर्थ जो है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उस रूल के हिसाब से बॉल को नीचे जाना चाहिए। अगर बॉल नीचे जाता है तो वो नॉर्मल है, साइंटिस्ट के हिसाब से नॉर्मल है, प्रकृति के नियम से चल रहा है। लेकिन बाय चांस वो बॉल अगर ऊपर जाने लगे, तब साइंटिस्ट भी भरोसा करेंगे कुछ ना कुछ तो अदृश्य शक्ति है जो इस नियम को भी बदल दे रहा है ना।
लेकिन साइंटिस्ट को कभी ऐसा दिखा नहीं, कभी ऐसा अजीब सा नहीं दिखा कि जो प्रकृति के नियम को, लॉ को वायलेट करता हो। ठीक, प्रकृति के नियम जो है वो हमेशा वैलिड रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। ठीक, इसीलिए साइंटिस्ट लोग जो है भूत पर या भगवान पर भरोसा नहीं करते। अब आते हैं फिजिक्स के बारे में, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये तीन सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए। इनमें से जो केमिस्ट्री है वो थोड़ा सा जो है आसान लगता है ना। बहुत सारे बच्चे उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। केमिस्ट्री थोड़ा आसान होता है, थोड़ा कैलकुलेशन होता है, लेकिन आसान होता है। मैथमेटिक्स में मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर बच्चे जो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, उनका मैथमेटिक्स पहले से थोड़ा बेटर होता है, इसलिए वो थोड़ा कोशिश करते हैं तो मैथमेटिक्स में भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन फिजिक्स जो है वहाँ पर उनको दिक्कतें आती है ना, क्योंकि फिजिक्स में जो है आप देखेंगे कि बहुत ही इमेजिनेशन की जरूरत होती है। फिजिक्स जो है, मैंने बताया, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, और उसमें बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है ना। मतलब हमें कोई अगर क्वेश्चन दिया गया है फिजिक्स का, है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें इमेजिन करनी पड़ती है। केवल सवाल में वो सारी चीज़ें नहीं दिखती। सवाल में तो ये दे दिया जाएगा कि एक बॉल को हमने छोड़ दिया, ठीक है, तो अब कितना हाइट है, कितना टाइम में नीचे जाएगा, कितनी वेलोसिटी से नीचे जाएगा। अब हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो कितना टाइम लगे, सारी चीज़ें हमें खुद इमेजिन करना होता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जो फिजिक्स है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बाकी जो दो सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के रिलेटिव, है ना। और इसीलिए जो है जब हम लोग फिजिक्स का थ्योरी पढ़ते हैं या उसे क्वेश्चन सोल्व करने लगते हैं, तो हर छोटे छोटे बात का ध्यान रखना होता है, हर एक वर्ड का ध्यान रखना होता है। अगर गलती से आपने एक वर्ड को भी मिस कर दिया, एक वर्ड को भी आपने मिस कर दिया, तो क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो बदल जाता है ना। जो थ्योरी है, जो लॉ है, उस लॉ का मतलब बदल जाता है ना। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी वर्ड जो है वो मिस ना हो, और जो वर्ड हम लोग पढ़ भी रहे हैं, जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसका सही तरीके से इंटरप्रिटेशन करें हम लोग, है ना। ये भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे हम लोग कई बार जो है फिजिक्स की चीज़ें जो है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो कई बार थीरी ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जब क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत आती है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो थ्योरी पढ़ा है वहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत है, हमने उस थ्योरी को बढ़िया से समझा नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझा नहीं, है ना। तो फिजिक्स को कैसे समझें, हर छोटे छोटे वर्ड का कैसे ध्यान में रखेंगे, है ना। तो इसको समझाने के लिए मैं अपना एक पुराना वीडियो जो है वो यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, जिसमें मैंने न्यूटन का थर्ड लॉ के बारे में बताया। न्यूटन थर्ड लॉ जो है हम लोग सब लोग जानते हैं, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ जो है हम लोग सब जानते हैं कि ये क्या होता है, कहा जाता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इतना तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन सोल्व करने जाएंगे तो हमें दिक्कत आती है। हमें एक्शन रिएक्शन पेयर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए तो उसमें भी दिक्कत आती है। ठीक, आप ये वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमने कौन कौन से पॉइंट उसमें मिस किए। मैं उसमें तीन जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ, है ना। वो तीन पॉइंट अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो तीन पॉइंट लॉ में होते नहीं हैं, हमें खुद जो है वो ड्राइव करना होता है, समझना होता है। ठीक, तो वो तीन पॉइंट जब हम ध्यान में रखेंगे तभी उसके क्वेश्चन सही तरीके से बनते हैं, तभी सही तरीके से हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, वैसे तो हम सबको याद रहता है हमेशा, क्योंकि शुरू से पढ़ते आए हैं। ये लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
है ना, ये लॉ है और ये सबको पता होता है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी जो है बातें छुपी हुई है, ये सारी चीजें हम सब कभी ध्यान से नहीं समझते। तो वो इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है छुपी हुई है, वो जो पॉइंट्स है जो इसके अंदर छुपा हुआ है पहले मैं उसको बताता हूँ, है ना। पहला पॉइंट तो ये है, कहा गया है कि एवरी एक्शन, एक्शन का मतलब यहां पर है फोर्स है, एक्शन मतलब फोर्स और उसका रिएक्शन मतलब वो भी फोर्स। तो एवरी एक्शन मतलब कि जितने भी फोर्सेज होते हैं उन सब का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी अपोजिट फोर्स होता है। तो ये कहा जा सकता है कि यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं वो सारे एक्शन रिएक्शन पेयर्स में भी होते होंगे, क्योंकि यहां वर्ड यूज किया गया एवरी एक्शन यानी एवरी फोर्स। तो जितना भी फोर्स होता होगा हर फोर्स का एक्शन रिएक्शन जो है वो पेयर होता होगा, है ना। तो कह सकते हैं पहला पॉइंट, ऑल द फोर्सेस इन यूनिवर्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो एक्शन और रिएक्शन है वो कभी भी एक बॉडी पर नहीं लगते। ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है एक्चुअली में दो बॉडी के इंटरेक्शन की बात करता है, दो बॉडी एक दूसरे पर कुछ फोर्सेज लगा रहे होते हैं। तो एक अगर एक्शन जो होगा एक बॉडी पर होगा तो रिएक्शन उसका दूसरे बॉडी पर होना है, यानी एक्शन रिएक्शन कभी एक बॉडी पर नहीं होते बल्कि डिफरेंट बॉडी पर होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक। तो अगर कोई कहता है कि एक बॉल है इस पर हमने एक फोर्स लगाया इधर से और एक फोर्स लगाया इधर से, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो क्या ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है? तो नहीं है, क्योंकि एक ही बॉडी को लग रहे हैं, ये एक्शन रिएक्शन हो ही नहीं सकते, है ना। जबकि एक ऑब्जेक्ट ये है, ये जो बॉडी है वो इस पर फोर्स इधर लगा रहा है, मान लेते ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इसको इस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है और ये जो है इसको इस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक्शन रिएक्शन है ना। ये उस पर लगा रहा है और वो इस पर लगा रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन है, क्योंकि दोनों देखेंगे इक्वल और अपोजिट भी है, है ना। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये एक्शन रिएक्शन जो है वो पेयर है, और एक्शन रिएक्शन पेयर जो एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेज होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं, एक ही बॉडी पर एक्ट नहीं करते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब कि जब दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्सेस लगाते हों तो एक ही टाइम पर लगा रहे होते हैं, जब तक एक्शन होता है तब तक रिएक्शन होता है। जैसे मैं इस ब्लैक बोर्ड पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो जब तक मैं फोर्स लगा रहा हूं तब तक जो है ब्लैक बॉडी जो है ये ब्लैक बोर्ड जो है वो मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने अभी फोर्स लगाया और ये जो है 2 साल बाद मेरे से बदला लेने के लिए आएगा, ऐसा नहीं है। जब तक मैं फोर्स लगा रहा हूं तभी तक ये भी लगा रहा है, मैंने हाथ हटाया, मैंने फोर्स लगाना बंद किया तो ब्लैक बोर्ड ने भी फोर्स लगाना बंद कर दिया। तो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेज हैं वो दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। अब ये तीन पॉइंट जो है हमें ध्यान रखना है, तीन पॉइंट ध्यान रखेंगे तभी जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम लोग सही तरीके से समझ सकते हैं, ठीक। अब जो है एक छोटा सा केस लेते हैं, जैसे कि मान लें अपने पास दो ब्लॉक है, एक M1 ब्लॉक है एक M2 ब्लॉक है और ये ग्राउंड पर रखे हुए हैं। मैं ये जो दो ब्लॉक है इन पर फोर्सेज दिखाना चाहता हूँ, कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, है ना। जैसे ये हो गया M1, थोड़ा अलग अलग करके डायग्राम बनाता हूँ, है ना। हालांकि कांटेक्ट में है, यहाँ पर है कांटेक्ट में है, फोर्सेज दिखाने के लिए मैंने सेपरेट कर रहा बस। और ये जो है ये ग्राउंड हो गया, ठीक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, मान लिया ये नॉर्मल फोर्स है N1,
है ना, और फिर ये भी इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ये भी हो जाएगा एन वन, ये इस पर एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल फोर्स एन टू, और ये जो है इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा एन टू। इसका खुद का वेट जो है एम टू जी ये आएगा नीचे, और इसका खुद का वेट जो है एम वन जी ये भी आएगा नीचे, है ना। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं। मैं एक एक्शन लेता हूं और उसका रिएक्शन हमें पता करना है, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूं कि ये एन वन को एक्शन ले लिया तो उसका रिएक्शन कौन सा होगा, ये वाला एन वन, है ना। ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, एन वन और एन टू अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और डिफरेंट बॉडी पर लग रहे हैं, यानी एन वन एन वन ये वाला और एन वन ये वाला दोनों एक्शन रिएक्शन है। उसी तरह से ये एन टू है और उसका रिएक्शन ये होना चाहिए, ये भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं, डिफरेंट बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन है। अगर मैं बात करूं इस एम वन जी की, एम वन जी इस पर लग रहा है तो इसका रिएक्शन कहां पर है, क्योंकि पहले पॉइंट ने यह बताया कि जितने भी फोर्सेज होते हैं सबका कहीं ना कहीं एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, तो ये जो एम वन जी फोर्स इस पर लगा है उसका भी तो रिएक्शन होना चाहिए, उसका रिएक्शन कौन होगा। अगर मैं मानूं कि ये एन वन इसका रिएक्शन है तो ये एन वन गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों ये दोनों जो है वो इक्वल तो होंगे लेकिन सेम बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि दूसरा वाला पॉइंट फेल हो जाएगा, तो ये एन वन हो नहीं सकता। अगर मैं इस एन वन की बात करूं तो ये एन वन इसलिए फेल हो जाएगा क्योंकि एम वन जी और एन वन दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए फेल हो गया। अब एन टू की बात करें कि इसका एम वन जी का रिएक्शन एन टू हो सकता है क्या, एन टू नहीं हो सकता, एन टू का जो जो मैग्नीट्यूड है वो एम वन जी से ज्यादा आएगा। एन टू का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो एक्चुअली में ये आएगा एम वन प्लस एम टू इंटू जी, दोनों के वेट के बराबर आएगा एन टू, तो एन टू एम वन जी से बड़ा है तो वो तो हो ही नहीं सकता। अच्छा ये एम टू जी हो नहीं सकता, एम टू जी भी जो है वो एम वन जी से डिफरेंट है, इक्वल है नहीं। और फिर उसी तरह से अगर जब ये एन टू नहीं बराबर नहीं है इसका तो ये एन टू भी बराबर नहीं होगा, तो क्या इसका रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर रिएक्शन नहीं होगा फिर तो ये तो लॉ फेल हो जाएगा, ये कह रहा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो एक्चुअली में क्या है, कोई लॉ फेल नहीं होगा, सारा सही है, बिल्कुल सही है। अब हमें यह ध्यान देना है कि जैसे ये एम वन जी है तो ये देखना है कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है एक्चुअली में दो बॉडी के इंटरेक्शन की बात करता है, अगर इसने इस पर फोर्स लगाया है तो ये उसी पर जाकर फोर्स लगाएगा, है ना। कहता है कि अगर ए ने बी को थप्पड़ मारा तो बी ए को ही थप्पड़ मारेगा, बी सी को थप्पड़ मारने नहीं जाएगा या सी ए को मारने नहीं आएगा, है ना। मतलब ए और बी है तो इसने इस पर कोई फोर्स लगाया तो बी जो है ए पर फोर्स लगाएगा, सी नहीं जाएगा उसका बदला लेने के लिए, ये ध्यान रखना है। मतलब ये दो बॉडी के इंटरेक्शन की बात करता है थर्ड लॉ, तो ए जिस पर फोर्स लगाया है, है ना, वही फोर्स वापस ए पर लगाएगा। तो सोचना है कि एम वन जी किसने लगाया है इस पर, तो अर्थ ने लगाया है, अर्थ जो है वेट के बराबर फोर्स से खींचता है ऑब्जेक्ट को, है ना। तो अर्थ अगर इसको खींच रहा है तो ये जो ब्लॉक है वो भी अर्थ को खींच रहा होगा एम वन जी फोर्स से, जैसा कि यहां बताया अगर दो मास है एम वन और एम टू तो न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो कहता है कि दोनों मास इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, तो वैसे ही अगर अर्थ इस ब्लॉक को अट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लॉक भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा ना उतने ही फोर्स से। तो इसने अर्थ ने फोर्स लगाया एम वन जी उस ब्लॉक पर तो ब्लॉक इस अर्थ पर लगाएगा एम वन जी, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं इस फोर्स के थ्रू और इसलिए ये रिएक्शन कहलाएगा। इस एम वन जी का रिएक्शन जो है ये एम वन जी है। उसी तरह से इस एम टू जी का रिएक्शन कहां पर होगा, यहां पर, है ना, क्योंकि ये एम टू जी कौन लगाया, अर्थ ने लगाया है, तो ये भी अर्थ पर लगाया एम टू जी ऊपर की तरफ। अब देख सकते हैं कि ये एम वन जी इक्वल मैग्नीट्यूड में है, अपोजिट डायरेक्शन में है और डिफरेंट बॉडी पर है। वैसे एम टू जी और ए एम टू जी इक्वल अपोजिट और डिफरेंट बॉडी पर है, तो अब जो है थर्ड लॉ सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, है ना। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि वैसे हम लोग कई बार जो है ये लॉ तो पढ़ लिए लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हम लोग नहीं पकड़ पाए,
फिजिक्स में स्पेशली जो है ये छोटी छोटी चीजें ही पकड़नी होती है, अगर ये नहीं पकड़ा तो हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। इसलिए हर एक छोटा छोटा वर्ड जो है उसका मतलब निकालना है, इस छोटे से सेंटेंस का इतना बड़ा मतलब निकला और उससे ये जो है इतने सारे कंक्लूजन हमने यहाँ पर निकाले। तो अभी आपने ये वीडियो देखा है ना, उसमें जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ के बाद मैंने तीन पॉइंट्स बताए, वो तीनों पॉइंट्स को जब आप ध्यान में रखते हैं तो सही तरीके से आपने एक्शन रिएक्शन पेयर को आइडेंटिफाई किया। अगर वो तीनों पॉइंट ध्यान में नहीं रहता है ना, तो एक्शन रिएक्शन पेयर्स आइडेंटिफाई करने में हमें दिक्कत आती है ना। जब एक बार हम लोग थर्ड लॉ पढ़ते हैं तो हमें तो ध्यान में ये आता है कि एक्शन रिएक्शन का मतलब ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे तभी जाकर के एक्शन रिएक्शन होगा है ना। लेकिन कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं है ना, कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं जो दूर से लग जाते हैं, उनको फील्ड फोर्स कहते हैं, उनका भी एक्शन रिएक्शन होता है। लेकिन वो बातें हमारे दिमाग में नहीं आती, हम लोग सोचते हैं कि जब थप्पड़ हम मारेंगे तभी उधर से थप्पड़ आएगा हमारे हाथ पर है ना, हम दीवार पर मारेंगे तो दीवार हमारे हाथ पर मारेगा। वो कॉन्टैक्ट से ही एक्शन रिएक्शन आता है, ये हमारे दिमाग में पहले से भी घुस जाता है ना, ये आता ही नहीं कि फोर्स तो दूर से भी लग जाता है, लग सकता है। तो यहाँ पर जो है ये जो छोटा छोटा पॉइंट था ये थ्योरी पढ़ने के बाद ही आपको जो है वो समझ में आता। तो अब हम लोग जानेंगे कि अगर फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम में कौन कौन से बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला चीज़ तो ये होता है कि फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम में हमेशा ज्योमेट्रिकल अप्रोच अप्लाई करना चाहिए। ज्योमेट्रिकल अप्रोच का मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल अप्रोच का मतलब ये हुआ कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें या क्वेश्चन को पढ़ें तो उसको एक डायग्राम के फॉर्म में ज़रूर जो है वो नोट करना चाहिए है ना। जैसे एक लंबा सा क्वेश्चन है जिसमें चार या पांच सेंटेंस दिए हुए हैं, तो जब कोई पहला सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, चाहे डेटा दिया हो या किसी घटना के बारे में बताया गया हो, तो उसको हमें एक डायग्राम बनाना चाहिए। डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में ही जो डेटा दिया हुआ उस डेटा को भी वहीं पर लिखेंगे, कोई मास दिया हुआ है, कोई वेलोसिटी दिया हुआ, सब उसमें जो है हम लोग लिखेंगे है ना। तो हर एक सेंटेंस पढ़ते पढ़ते हमें क्या करना चाहिए, उस डायग्राम में जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो डाल देना चाहिए। अब क्या है, चार पांच लाइन का, चार पांच सेंटेंस का एक बड़ा सा क्वेश्चन था, उसको समझने में हमें दिक्कत आती थी। जैसे दो लाइन पढ़ लिया समझ में आ गया, तीसरे लाइन पर गए तो पहली लाइन भूल गए, ऐसा होता था। लेकिन जब एक डायग्राम में सारा चीज़ हम लोग डाल देंगे ना, तो फिर उस डायग्राम को देखने से सारा क्वेश्चन समझ में आता है, सारा क्वेश्चन समझ में आता है। फिर ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, कौन कौन से फेनोमेना हो रहे हैं, कौन कौन से लॉ जो है, जो नेचर के लॉ हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन के लॉज हो गए है ना, वो कौन से लॉ जो है हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो आइडिया लग जाता है। मतलब एक बार क्वेश्चन हमें दिखने लगा तो हम लोग जो है पूरी प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो पहला चीज़ ये ज़रूरी है, ठीक। दूसरा चीज़ ये है कि कभी भी फिजिक्स के क्वेश्चन को बिना सही तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़े, बिना थ्योरी पढ़े सोल्व करने की कोशिश नहीं करें है ना। कि कोई फार्मूला हमें पता है तो फार्मूला फिट कर देंगे, ऐसा फिजिक्स में कभी नहीं करना चाहिए है ना। कितना भी आपको मैथमेटिक्स आता हो, फिजिक्स में मैथमेटिक्स आता है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं आता कि केवल मैथमेटिक्स जानने से हम लोग फिजिक्स सवाल सोल्व कर लेंगे है ना। उसके लिए पहले ज़रूरी है कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो आंसर तक पहुंचने के लिए जो है पहले तो हमें फिजिक्स के लॉज पता होना चाहिए। जब लॉज को अप्लाई करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन आता है, उसमें मैथमेटिक्स आता है, तो उसमें कैलकुलेशन आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, तो अप्लाई करके हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक। ये चीज़ है। तो मैं एक क्वेश्चन को सोल्व करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से सोल्व करना चाहिए। अभी जो मैंने बताया है इसको जो है हम लोग यूज करते हुए एक क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि किस तरह से फिजिक्स के क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, सोल्व करने का अप्रोच करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन को हम लोग करके देखेंगे है ना। तो मैं अभी लॉकडाउन में अपने गाँव में हूँ और यहाँ पर ग्रीन बोर्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको जो व्हाइट बोर्ड है उस पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक। तो
सबसे पहले जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करेंगे वो मैं बता देता हूँ, उसी तरह से आपको भी हर क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन में एक सेंटेंस पढ़ेंगे, उस सेंटेंस में जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा उसको डायग्राम के फॉर्म में और डेटा के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। जब पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो पूरा जो क्वेश्चन है वो डायग्राम के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, दिखना चाहिए। ठीक, तो पूरा क्वेश्चन एक डायग्राम के फॉर्म में दिखेगा तब हम प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक, तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं और देखते हैं उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो हम लोग डायग्राम में लिखेंगे। कहा गया है सर्कुलर स्मूथ ट्रैक ऑफ रेडियस 1 मीटर इज शोन, है ना। सर्कुलर ट्रैक है, स्मूथ है, स्मूथ का मतलब हो गया कि फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना, और इसका रेडियस जो है वो 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर, देखेंगे कि डायग्राम बनाया गया है जहां पर एक सर्कुलर ट्रैक दिख रहा है। ठीक, तो सर्कुलर ट्रैक जो है ये स्मूथ है, और स्मूथ होने का मतलब ये है कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। यहाँ पर रेडियस जो है ये 1 मीटर दिया गया है। देखेंगे ये सर्कुलर ट्रैक है तो ट्रैक का सेंटर कुछ यहाँ पर दिख रहा है, तो सेंटर से ट्रैक को मिलाएंगे तो रेडियस होगा, ये 1 मीटर होगा और ये भी 1 मीटर होगा। क्वेश्चन में ये एंगल दिया गया है 53 डिग्री और ये 37 डिग्री दिया गया है। अब कहा गया, आगे देखते हैं, कहा गया अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए एंड लीव्स द ट्रैक एट पॉइंट बी। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर इस एग्जांपल में ये है पॉइंट ए जहां से इसको रिलीज किया गया है। तो रिलीज करने का मतलब ये होता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, है ना। ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी जीरो लिखेंगे और फिर यहां से चलते चलते ये पॉइंट बी पर ट्रैक को छोड़ता है। तो पॉइंट बी जो है वो पॉइंट ए से नीचे है, क्यों, क्योंकि ये एंगल 53 डिग्री है, ये एंगल 37 डिग्री है, तो ऑब्वियसली 53 वाला थोड़ा ऊपर होगा, 37 वाला थोड़ा नीचे होगा। क्योंकि ये नीचे है पॉइंट बी ए से, तो यहां पर जब जीरो वेलोसिटी से छोड़ा जाएगा तो पॉइंट बी पर इसके पास कुछ वेलोसिटी बचेगी, है ना, और कुछ वेलोसिटी बचेगी तो ये कुछ ऐसा ग्रेविटी की वजह से ऐसा पाथ को फॉलो करेगा, है ना। तो अब हमें पता क्या करना है ये देखते हैं। आगे लिखा गया है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय ब्लॉक अबव पॉइंट ओ। अब आते हैं डायग्राम में, डायग्राम देखेंगे ये है पॉइंट ओ, तो यहां से मैक्सिमम हाइट वो कितना अचीव करेगा वो हमें बताना है। ठीक, तो हम लोग यहां पर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, पहला चीज तो ये है कि चूंकि ये जो ट्रैक है, ट्रैक के पैरेलल यहां पर वेलोसिटी होगी, जब निकलेगा तो मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। देखेंगे ये 37 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री होगा, ये होना चाहिए 53 डिग्री। ठीक, ट्रैक के पैरेलल वेलोसिटी है, ठीक, वेलोसिटी यानी कि टेंजेंशियल हो गया और ये रेडियस है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पर ये टोटल एंगल 180 होना चाहिए, तो ये 53 है, ये 90 है, तो ये देखेंगे कितना आएगा 37 डिग्री, तभी जोड़ करके टोटल 180 होगा। अब 37 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये प्रोटाइल जैसा जाएगा, है ना, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोटाइल में कि किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे, है ना, तो उसका जो मैक्सिमम हाइट आता है एच, वो आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, है ना। तो यहां भी उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग इस प्रोटाइल का मैक्सिमम हाइट यहां से पता कर सकते हैं। पॉइंट बी से ऊपर जो मैक्सिमम हाइट होगा यह आएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 डिग्री, क्योंकि 37 डिग्री पर प्रोजेक्ट हुआ है, डिवाइडेड बाई 2g। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है पॉइंट ओ से मैक्सिमम हाइट, पॉइंट ओ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हाइट भी हमें पता होना चाहिए। ये हाइट अगर पता होगा तो इस हाइट में मैं मान लेता हूं कि ये x है, x और h ऐड कर देंगे
तो ओ से मैक्सिमम हाइट इसका निकल जाए। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है इसमें तीन चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो मिक्स किए गए हैं। इसमें सर्कुलर मोशन भी है, इसमें वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर भी है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक, तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि चूंकि ये एच निकालना है तो उसके लिए हमें पहले वी पता करना पड़ेगा, है ना। वी पता करने के लिए चूंकि यहां पर वेलोसिटी जीरो है, यहां पर वी फाइंड करना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, यहां पर देखेंगे यहां पर वेलोसिटी दिया गया है जीरो और यहां पर वी है, तो यहां भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक, तो ये रेडियस है वन, पहले हम लोग पता करेंगे ये वाला हाइट। कैसे पता करेंगे, ये टोटल रेडियस में से ये हाइट को माइनस करेंगे। ये अगर आर है तो ये आर कॉस 53 होगा, तो ये वाला हाइट आएगा आर माइनस आर कॉस 53, ये हाइट हो गया। उसी तरह से ये हाइट पता करेंगे। ठीक है, इसको कैसे पता करेंगे, देखेंगे अगर ये भी रेडियस के इक्वल है आर, तो ये होगा आर कॉस 53, आर कॉस 53 होगा, ये टोटल रेडियस के इक्वल है, तो रेडियस में से ये वाला हाइट माइनस करेंगे तो ये नीचे वाला निकल जाएगा। तो इसको मैं यहां पर लिखूंगा आर माइनस आर कॉस 37 डिग्री, ये आ गया। अब देखेंगे ये हाइट हम निकाला, ये हाइट भी निकाला, ये हाइट भी निकाला, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हाइट आएगा। इसको मैं एच मान लेता हूं क्योंकि जो ब्लॉक है पॉइंट ए से इतना नीचे आकर पॉइंट बी पर आ रहा है। ठीक, तो एच हाइट नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटेगी, पहले हम लोगों को एच निकालना पड़ेगा, तो एच का वैल्यू निकालेंगे, इसमें से ये वाला हाइट में से ये वाला हाइट ये माइनस करेंगे, तो आर माइनस आर कॉस 53 ये है, इसमें से माइनस करेंगे ये आर माइनस आर कॉस 37। ठीक, तो देखेंगे ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये जो है माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, प्लस आर का वैल्यू है 1, कॉस 37 होता है 4/5, ये हो जाएगा माइनस आर का वैल्यू है 1, कॉस 53 होता है 3/5, तो 4/5 माइनस 3/5 ये हो जाएगा 1/5, है ना। तो ये जो ब्लॉक है वो एच हाइट नीचे आया है, यानी 1/5 मीटर नीचे आया है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी, एम जी एच, इतनी पोटेंशियल एनर्जी घटी है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी है एनर्जी कंजर्वेशन से उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व रखना है, तो ये एम और ये एम कैंसिल हो गया, है ना। जी का वैल्यू है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो वो हम लोग यहाँ पर लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच जो है ये हो गया 1/5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी स्क्वायर, देखेंगे 5 से 10 जाएगा दो बार में, तो वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये एच निकल जाएगा। अब ये एक्स कैसे निकाले, ये वाला हाइट देखेंगे यहाँ पर हमने फाइंड किया हुआ है ना। तो अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट जो पूछा गया था, तो वो आएगा एक्स प्लस एच, एक्स है इतना आर माइनस आर कॉस 37, आर का वैल्यू है 1 माइनस आर फिर से 1 कॉस 37 जो है वो होता है 4/5, ये हो गया, है ना, ये हो गया 1 माइनस 1 इंटू कॉस 37 यानी कि 4/5, प्लस ये एच है, यहां से रखेंगे वी का वैल्यू दिया गया है 2 स्क्वायर, वी स्क्वायर है इसलिए साइन जो है साइन 37 3/5 होता है, तो 3/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, जी का वैल्यू यहाँ पर 10 रखेंगे, देखेंगे 2 स्क्वायर है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 बचा तो 2 को
टू से टेन को कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा फाइव। यहाँ देखेंगे वन माइनस फोर बाई फाइव, तो ये हो जाएगा वन बाई फाइव, वन बाई फाइव हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे थ्री का स्क्वायर है तो ऊपर आएगा नाइन और नीचे फाइव का स्क्वायर, ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव 125। तो फाइनली जो है आंसर आएगा 125 एलसीएम ले लेंगे, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 प्लस यहाँ पर 9, तो 25 प्लस 9 जो है ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 125 मीटर, है ना। तो ये जो है ये मैक्सिमम हाइट आएगा पॉइंट ओ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो है इसका मैक्सिमम हाइट है ये पॉइंट, तो यही हमें पता करना था ये वाला टोटल हाइट, ठीक है। तो जो भी मैंने प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई किया है, ये प्रोसेस जो है आपको भी अप्लाई करना चाहिए, तब फिजिक्स के हर क्वेश्चन को आप सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया है ना, इसी तरह से आपको भी अप्रोच करना चाहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। लास्ट में जो है मैं वही बात रिपीट करूँगा जो कि पहले वीडियो में भी बताया था, और आगे मैं हर वीडियो में जो है वो इसको रिपीट करता रहूँगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आईडीजी का प्रिपरेशन जो शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही जो है वो जो है हताश हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं और प्रिपरेशन करना छोड़ देते हैं, है ना। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रिपरेशन में जो है बहुत कुछ आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, एक नॉर्मल जो है रूटीन होता है वो करना होता है। क्या रूटीन होता है कि आपको रेगुलर रेगुलर क्लास अटेंड करना है पूरे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, ठीक है, जितनी चीज़ें आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे उसको जो है जब डीपीपी या कुछ घर पर सॉल्व करने के लिए होमवर्क दिया जाता है तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप एटलीस्ट ट्राई करें, है ना, जितने सवाल बनेंगे ठीक है, 10 सवाल हैं अगर किसी डीपीपी में उसमें से आपके 3 बन गए 4 बन गए तो भी ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम है ट्राई करना चाहिए, ठीक है। क्लास में पढ़ेंगे तो केवल ध्यान से सुनना है, उसको समझने की कोशिश करनी है, घर पर जा कर के जो होमवर्क है उसको एटलीस्ट ट्राई करना है, जितने बनेंगे उसी में खुश रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, 3-4 सवाल बनते हैं 10 में से तो ठीक है, लेकिन ट्राई 10 के 10 करना है। फिर जो भी डाउट्स आते हैं उसको जाकर क्लास में अपने टीचर से पूछें, टीचर्स बताते हैं तो उसको ध्यान से सुने, है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे, हो सकता है कुछ चीज़ ना भी समझ पाएँ, ठीक है ना। वैसे भी आईआईटी में 100% मार्क्स लाना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक, लेकिन कोशिश तो पूरी करनी पड़ेगी, है ना। तो जो टीचर बताते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन का आप ध्यान रखें और अगले आगे जब सवाल करें तो उसको आप उसको अप्लाई करें जो कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने बताया है, ठीक। यही जो है 2-3 साल तक रेगुलर, जब जितने देर तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ये काम रेगुलर करना होता है, है ना, कि लगातार 2-3 साल तक क्लासेज मिस ना करें, अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत ना हो तो क्लासेज मिस नहीं करनी चाहिए, रेगुलर क्लास अटेंड करें, जो होमवर्क दिया जाए उसको घर पे ईमानदारी से पूरी ऑनेस्टी के साथ में ट्राई करें, ठीक, और उसमें जो भी डाउट आते हैं अपने टीचर से जाकर के पूछ लें, ठीक है। यही काम जो है 90% स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, केवल 10% स्टूडेंट करते हैं और वहीं का सिलेक्शन होता है। आपने देखा होगा कि हर साल जो है 12-13 लाख स्टूडेंट्स जो है आईटीजी के प्रिपरेशन में जो है वो लगे रहते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो है केवल 12-13 हज़ार बच्चों का ही होता है, तो ये केवल 10% बच्चों का सिलेक्शन होता है, और ये वही बच्चे हैं जो कि जो रूल मैंने बताया उस रूल को फॉलो करते हैं, है ना, रेगुलर क्लास अटेंड करना है, होमवर्क को ईमानदारी से ट्राई करना है, ठीक, ट्राई करना है, ज़रूरी नहीं कि सारे सवाल आपसे बनेंगे, ट्राई करना चाहिए, ठीक, जो डाउट पूछना चाहिए, डाउट अगर बता देते हैं टीचर तो उसको ध्यान से समझें और फिर उसको अप्लाई करें, ये काम करना है, ठीक। तो आज के लिए ये जो वीडियो है मैं बंद करता हूँ, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जिसमें कुछ टाइम टेबल जो है उसके बारे में बताऊँगा, किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह का शेड्यूल बनाना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए,
ये सारी चीज़ें मैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में बताऊँगा।